दोस्तों, आज बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के। अगर आपका भी बजट 10 लाख रुपए है तो आप आसानी से इस घर को कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, बना सकते हैं। आज का प्लान आप कहें रेंट पर्पस से भी है और ग्रामीण पर्पस से भी है, मतलब कि ये ऐसा प्लान मैंने डिजाइन किया है कहीं पर भी फिट हो सकता है। और आज का मॉडल भी काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, इसका फ्रंट एलिवेशन भी काफ़ी मैंने सोच समझ के क्रिएट किया है, तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास 9 से 10 लाख रुपए का बजट है और आप बेहतरीन सा घर चाहते हैं, देखिए बजट की अगर हम बात करें, पैसों की बात करें, अगर आपके पास कम है तो आपको एरिया कम सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बड़ा घर बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, आप भी समझते होंगे इन चीज़ों को। तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ 28x40 28x40 फीट का लगभग 1100 स्क्वायर फीट 1150 स्क्वायर फीट एरिया है, तो इसमें आपका पैसा भी इन्वेस्ट ज़्यादा होने वाला है। तो आज का जो प्लान होने वाला है उसी को डिस्कस करेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, और मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आप इस प्लान को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसका 2D प्लान चाहते हैं तो कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, मैं इस प्लान को वहाँ पर देता हूँ, वहाँ पर और भी डिटेल आप देख सकते हैं। तो चलो, पूरे डिटेल के जानकारी के लिए हम आपको चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये आज का पूरा प्लान होने वाला है, काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन सा प्लान आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लिए हालांकि ज़्यादा कंफर्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पर बारंदा वगैरह दिया है ओपन, और ये एक आपका गेस्ट रूम है जिसमें मैंने यहाँ पर विंडो बेहतरीन से दिया है। आगे ग्रिल का कॉम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो हम आपको इससे पहले जूम करके दिखा दें कि इस पर क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, कैसे आप इसे बना सकते हैं। इसमें उमटी गुमटी वगैरह मैंने सारी चीजें बना रखी, फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे तो आपको ये बारंदा देखने को मिलते हैं, और इसी बारंदा से आप अपना गेस्ट रूम को भी एक्सेस कर पाएंगे। इसको यहाँ से मैंने एक डोर दिया है जो गेस्ट रूम एक्सेस कर पाएंगे, और मेन डोर आपका ये है जहाँ से एंट्री करेंगे। इधर एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। आप अंदर जाते हैं आपको एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिल जाता है। अब आगे की बात करें तो इसी डाइनिंग हॉल से गेस्ट रूम को भी एक्सेस किया जा सकता है, मैंने यहाँ पर डोर दे दिया है। अब पीछे की बात करें तो पीछे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस बेडरूम की बात कर लेता हूँ। इस बेडरूम में जाने के लिए इससे डोर आपको मैंने दिया है, यहाँ पर आप पहुँचेंगे, और इसके सबसे पीछे ये एक अटैच लेट एंड बाथ मैंने कॉर्नर पर बना रखा है। ये वाला एरिया वेंटिलेशन के लिए आप पीछे यहाँ पर जाल रखवाइएगा, तो ये एरिया आप इस रूम को भी वेंटिलेट करेगा, और ये मैंने एक साइड में और बेडरूम बना रखा है इसको भी वेंटिलेट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ रखी है। ये एक बेडरूम, ये उससे के साथ अटैच लेट एंड बाथ, ये वेंटिलेशन के लिए जगह है। अब आंगन से जब इस वाले बेडरूम में जाएंगे तो इस वाले बेडरूम को यहाँ वेंटिलेशन होगा, तो मैंने यहाँ पर डोर दिया, ये जाल वाला जो जगह है आप इसे यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इस बेडरूम में भी एक अटैच लेट एंड बाथ मैंने अलग से दिया, ये एक कंबाइंड अगर हम बात करें किचन एरिया यहाँ पर दिया, ये कंबाइंड किचन दिया है मैंने इस रूम के लिए। अगर आप कंबाइंड नहीं देना चाहते किचन, तो इसका डोर आप बाहर से दे सकते हैं, बाहर से इसे एक्सेस कर पाएंगे, और ये विंडो हटा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप एक ओपन किचन भी डिजाइन करना कर सकते हैं। अगर आप इस घर को रेंट पर्पज से देते हैं तो ये देखिएगा, एक बेडरूम किचन लेट बाथ, ये सेपरेट एरिया किसी एक फैमिली के लिए हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें तो इधर भी एक आपका सेपरेट फैमिली हो जाएगा। अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला बेडरूम जिसे गेस्ट रूम हम बोल रहे हैं, अपना किचन आप यहाँ बना सकते हैं। और लेट बाथ की आपको प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप ऊपर वाले फ्लोर में बना सकते हैं, ये एक रेंट पर्पस से भी मकान हो जाता है। अगर इस मॉडल के हम 2D की बात करें कि इसका साइज वगैरह क्या है, इसका बारंदे का साइज क्या है, तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। मतलब कि आप जब क्रोम ब्राउजर खोलेंगे तो आपको वहां पर smallhouseplan.com लिखना है। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहां पर आएंगे तो आपको हमारा ये प्लान देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आपको बहुत सारे और भी प्लान देखने को मिलेंगे, तो जो भी आप प्लान देखना चाहें, जैसे भी आप डाउनलोड करना चाहें, आसानी से देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान के, ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, क्या क्या यहां पर बना हुआ है वगैरह, बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुंचेंगे 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, और ये ग्रिल लगभग आगे 2.5 फीट आगे निकला हुआ है। इसके बाद ही ग्रिल को मैंने कमांड किया है। ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी जो कि दरवाजे पे छत पर आएंगे, ये विंडो वेंटिलेशन के लिए। तो प्रॉपर तरीके से 28x40 में पूरा प्लान सेटअप हो जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरा प्लान था जो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमें कमेंट कर रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे कि सर मुझे कोई ऐसा प्लान चाहिए जो रेंट पर्पज वगैरह से भी दे सके। तो ये पूरा मॉडल था। इसे डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें।
हाँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक पेड सर्विस भी दोस्तों चलाता हूँ जिसके तहत आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टेक्ट करें और आप हमसे बात करके व्हाट्सअप पर चैट करके अपना जो भी प्लान है उसे क्रिएट करवा सकते हैं। वो हमारी एक पेड सर्विस है, इसका विशेष ध्यान रखें 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में देना होता है, बशर्ते ध्यान ये रहे जब आपकी हमसे बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इससे बिल्कुल आप सजग होकर ही हमें कॉन्टेक्ट करें, मतलब कि किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। अगर मॉडल पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।